ये वाले न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी आते हैं, और ये दो टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं बेसिकली, रिजल्टेंट फोर्स वाले होते हैं और एक अलग टाइप के होते हैं। तो ये आपको हर जगह दिखेंगे, तो इसको देखें, मैं आपको बताता हूँ आप किस तरह, आपको पहचानना है आप किस तरह डिटरमाइन, आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये न्यूमेरिकल में ये वाला फॉर्मूला लगेगा या फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। जब भी रिजल्टेंट फोर्स का वर्ड यूज़ हो, रिजल्टेंट का वर्ड यूज़ हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। एक बेसिक की बात बता रहा हूँ मैं, लेकिन अगर रिजल्टेंट फोर्स का वर्ड यूज़ ना हो, दो एंगल गिविन हो, रिजल्टेंट का फोर्स का वर्ड यूज़ ना हो, जिससे मैंने इस फॉर्म इस देखें इस ये वाला भी मतलब न्यूमेरिकल है, इस क्वेश्चन में देखें पोजीशन वेक्टर का वर्ड यहाँ पर यूज़ है, दो एंगल मतलब यहाँ दे दिए गए हैं, और रिजल्टेंट मतलब नहीं मालूम करना। इस सूरत हाल में आपको ये वाला फार्मूला लगाना है, या आप ये वाला लगा सकते हैं, सिंपल या आप ये वाला लगाएं, इसको छोड़ दें हम, ठीक है। ये तो मतलब ऐसे ही मैंने डायरेक्ट कर दिया था, ये वाला फार्मूला लगाएं आप। तो इस फार्मूले में देखें कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दो आपको आर वन आर टू और थीटा माइनस, दो एंगल को आपको सिंपल माइनस करके सीन लगा के आंसर लाना होता है। तो जो पहली जो चीज़ है वो हम आज इस पर बात करते हैं। देखें दो यहाँ पर फोर्सेस दे दी गई हैं, एक 10 न्यूटन की फोर्स है और 20 न्यूटन की फोर्स है, एंगल यहाँ पर 30 और 60 है। आपको रिजल्टेंट फोर्स मालूम करनी है, ये समझाने के लिए मैंने डायग्राम ड्रॉ की है कि एक 30 एंगल पे फोर्स लग रही है और 60 एंगल पे फोर्स लग रही है, तो इसका जो डिफरेंस बेसिकली वो 30-30 का आ रहा है। तो ये आप छोड़ दें इसको, बस आप इतना याद रखें कि एक 30 एंगल पे फोर्स लग रही है और 60 एंगल पे फोर्स लग रही है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ जब भी दो एंगल दे दिए जाएँ, तो आप एक एक एंगल किस तरह आप मतलब यहाँ लिखेंगे। तो या तो आप इस एंगल को मतलब दोनों एंगल को माइनस कर दें तो वो बेटर है, या फिर आप इस तरह डिफरेंस निकाल लिया करें इसका ना, कि यहाँ 30 है तो 30 और 60 के बीच में मतलब यहाँ जो आ रहा है वो 30 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर आप सिंपल 30 लिखेंगे। या तो आप फिर इस तरह कर लें कि दोनों एंगल को माइनस कर दें फॉर्मूले में, यहाँ 60 को आपने 30 से किया तो ये भी एक 30 आया, ठीक है ना, इस तरह कर लें जैसे आपको मतलब सूटेबल लगे। तो ये आपको एक फार्मूला है, इस फार्मूले के मदद से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं, रिजल्ट फोर्स निकाल सकते हैं। एफ वन एफ टू स्क्वायर यहाँ पर है, 2f1 f2 कॉस थीटा, ठीक है ना। अब आप इसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है ना, ये आप पूरा करेंगे तो आपके पास आंसर 29 यहाँ पर आ रहा होगा। तो ये काफ़ी ईजी था, और इसको बस पेपर में कुछ घुमा दिया जाता है इस न्यूमेरिकल से। इस क्वेश्चन में देखें यहाँ पर R की वैल्यू की मैंने, ठीक है ना, और पोजीशन वेक्टर का वर्ड यहाँ यूज़ है, और यहाँ आप बताएं रिजल्टिंग फोर्स का या रिजल्टिंग कोई भी चीज़ का यहाँ पर वर्ड यूज़ नहीं है। इट्स मीन आपको मेकिंग एंगल, यहाँ पर आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है इन दोनों के दरमियान। तो यहाँ आप देखें दो एंगल गिवन है, आर गिवन है, ठीक है ना, आपने सिंपल ये मैं आपको बता रहा हूँ 30 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ आप वही ये वाला फार्मूला पुट कर दें, आप आर वन की वैल्यू लगाएं, आर टू की वैल्यू लगाएं, सीन और दोनों एंगल की वैल्यू लगाएं, और यहाँ पर माइनस का साइन लगा दें, दोनों का मतलब माइनस जब भी होगा तो वो 30 एंगल निकलेगा। सिंपली आप इसको जब सॉल्व करेंगे इस तरह के, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 मैंने इस तरह डायरेक्ट कर दिया तो यहाँ पर 6 आ गया, 6√3 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये जो है वो करेक्ट आंसर है। अच्छा आप देखें यहाँ पर कुछ मतलब न्यूमेरिकल में घुमाने के लिए आपको ए और बी भी लिखा मतलब लिख सकते हैं, तो सिंपल आप ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, बिल्कुल सेम है, बस आपको आर यहाँ पर वैल्यू चेंज करनी है, आर की जगह आप ए लगा दें, यहाँ पर जो भी वहाँ गिवन है वो आप यहाँ लगा के सिंपली आप पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें थी, उम्मीद है जो कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी।